के लिए निकाला गया नियुक्ति पत्र वायरल, लेटर हेड सील व हस्ताक्षर सब कुछ फर्जी। विश्वविद्यालय में नौकरी के नाम पर उम्मीदवारों से की गई धोखाधड़ी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने गुरुवार को सिविल लाइन स्थित पुलिस जिमखाना में शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई की। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू, शिकायत के लिए मतदाता कर सकते हैं संपर्क, आचार संहिता लागू। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जागरूकता के लिए लगेंगे स्टिकर्स और बैनर, बड़े बदलाव के साथ शहर के थिएटर हुए तैयार। सब्जियों को लेकर शहर के लोगों के लिए राहत भरी खबर, अब होंगे सब्जियों के दामों में गिरावट, सब्जियों की आवक बढ़ी, खुदरा बाजार में 30 रुपए किलो पर पहुंचा टमाटर। तो वहीं महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन एवं मेडिकल ऑफिसर्स के संयुक्त तत्वावधान में की गई हड़ताल खत्म, आज से काम पर लौट सकेंगे डॉक्टर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा डॉक्टरों को जल्द ही नियमित करेंगे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से देश के सभी चिड़ियाघर प्राधिकरणों को यानी कि जू खोलने से संबंधित दिशा निर्देश को किया गया जारी। इसी आदेश के तहत शहर का महाराजबाग जू जल्द ही खुलेगा नागरिकों के लिए। वायुसेना रोड टीवी टावर चौक पर हुई कार्रवाई, चला बुलडोजर, 5 ट्रक माल हुआ जब्त, पुलिस कर रही है पुख्ता व्यवस्था। 27 शेड, 3 ओटे, 2 चिकन की दुकानों को तोड़ा गया। एसटी महामंडल में घोटाले की हुई आशंका, गणेश बस डिपो का मामला, कुछ को नहीं मिला काम तो कुछ को बांटा गया लाखों रुपए का ओवरटाइम। शहर में कोरोना से एक बार फिर राहत की खबर, 24 घंटे में 301 पॉजिटिव मिले तो वहीं 331 स्वस्थ होकर घर गए, 8 की मृत्यु।